जिसके बेसिस पे यू कैन सिलेक्ट यूनिट प्रेफरेंस कि आपको पार्क फेसिंग चाहिए, आपको सन फेसिंग चाहिए, आपको मिडिल फ्लोर्स चाहिए, हायर फ्लोर्स चाहिए, क्या आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड प्रेफरेंसेस उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं. सो फोर्थ फ्लोर एंड अबव अगर आप जाते हैं तो 3 और 4 जो है वो फेस कर रहा है स्विमिंग पूल. यहाँ पे 2 स्विमिंग पूल्स हैं तो यहाँ पर ये फेस कर रहा है स्विमिंग पूल्स एंड यहाँ से जो बालकनी आएंगी वो फेस करी है पूरा. बिकॉज एज ऑफ नाउ जो रेट चल रहा है वो 8,500 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है. सो 8,500 रुपये पर स्क्वायर फीट जो रेट है वो बिकॉज अब 1850 तो जा चुका है तो 1450 के लिए वो अप्लीकेबल है. लेकिन जब तक ये लॉन्च होता है नया टावर वो आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि 9,500 रुपये रेट आएगा. मैं अगर किसी ने ए पूछा है तो ए ही जवाब मिलेगा, उसका जेड जवाब नहीं मिलेगा. एंड पूरा लोकेशन यहाँ पे भी हम लेके जाते हैं, वहाँ पे भी लेके जाते हैं कि एक्चुअल में आपका प्लेसिंग क्या है, आपका जो ब्लॉक आ रहा है वो कहाँ क्या दिख रहा है, कौन सी फेसिंग है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ ईस्ट आ रहा है, क्या है. हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया और स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार. सो मैं आज फिर से ऐसे सेंडाना का वीडियो लेके आई हूँ जो जिसमें एक न्यू अपडेट है फॉर न्यू टावर. अब वो क्या अपडेट है वो हम डिस्कस करेंगे. पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ इसका. सो इफ़ इन केस आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो थंबनेल है आप देख सकते हैं. इसमें मैं थोड़ा सा कॉन्क्रीट डिटेल्स ही आपको मेंशन करूँगी. सो इसमें क्या है कि दिस इज़ ऐसा सिंडाना है वो इस खूबसूरती से निकल के आएगा. टोटल नंबर ऑफ टावर्स 10 है एज मेंशन बिफोर ऑल्सो एंड 12.61 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें 10 टावर्स है. सो ये मेन रोड है, इसके पैरेलल रोड जो जा रही है वो द्वारका एक्सप्रेस वे की जा रही है. एंड जो मेन एंट्रेंस है ऐसा सिंडाना की यहाँ पर जो आप देख रहे हो एंट्री एग्जिट वो ये है. अब मैं इसके लेआउट में आती हूँ, जो मास्टर प्लान है मास्टर प्लान में अगर यहाँ पर आए सो उसी का ये थोड़ा सा अलग वर्जन है. सो इसमें क्या है जो मैं जैसे मैं बोल रही थी कि टोटल 10 टावर्स है एंड दिस इज़ क्लब हाउस. सो क्लब हाउस जो है वो 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है जिसमें फैसिलिटीज़ है, जिम हो गया एंड मिनी थिएटर, बिलियर्ड्स, स्क्वैश कोर्ट एंड रेस्टोरेंट, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं इसके अंदर. सो अब इस साइड में अगर हम जाते हैं सो इस साइड में जो साइज़ है दैट इज़ 1450 स्क्वायर फीट विच इज़ 3 बेडरूम प्लस 2 टॉयलेट. एंड इस साइड में अगर हम लोग जाते हैं तो इस साइड में है 1850 स्क्वायर फीट विच इज़ 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट प्लस स्टडी रूम. सो रूम साइजेस अगर कंसिडर करेंगे तो दोनों के रूम साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर है. जो आपका मेजर इफेक्ट आ रहा है वो ड्राइंग डाइनिंग एरिया का आ रहा है एंड एक टॉयलेट एक्स्ट्रा और एक स्टडी रूम में जा रहा है, साइज हो जा रहा है एक्स्ट्रा. सो इन लोगों ने क्या किया था, टोटल जो 10 टावर्स है उसमें से कुछ टावर्स पहले लॉन्च किए थे जो कि सोल्ड आउट हो चुके हैं एंड फिर इन्होंने जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया था वो 3 टावर्स किए थे जिसमें T8 और T9 1450 स्क्वायर फीट वाले हैं एंड T5 जो है वो 1850 स्क्वायर फीट वाले हैं. जो T8 एंड T9 में कुछ एक इन्वेंट्रीज अभी है बिकॉज ये 2 टावर्स लॉन्च किए थे 1450 स्क्वायर फीट के एंड 1850 वाला सिर्फ एक लॉन्च किया था तो इसमें अवेलेबिलिटी नहीं है. इसमें जो अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी वो 33rd फ्लोर पे मिलेगी. तो अब जब तक आप वीडियो देख रहे हैं तब तक वो अवेलेबिलिटी होगी भी कि नहीं होगी वी डोंट हैव एनी आइडिया. सो इसमें अवेलेबिलिटी नहीं है. अब इसमें अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, आपको अगर 1850 स्क्वायर फीट वाला चाहिए तो. सो उसके लिए क्या है कि दो ही टावर बचे हैं T6 एंड T3. सो इन दोनों में से एक टावर लॉन्च होने वाला है इन फ्यू डेज. सो उसके लिए क्या करें, वी आर टेकिंग EOIs, 5 लाख रुपीस का चेक ले रहे हैं जिसके बेसिस पे यू कैन सिलेक्ट यूनिट प्रेफरेंस कि आपको पार्क फेसिंग चाहिए, आपको सन फेसिंग चाहिए, आपको मिडिल फ्लोर्स चाहिए, हायर फ्लोर्स चाहिए, क्या आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड प्रेफरेंसेस उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं.
सो इफ इन केस यू कैन गो विद 1450 स्क्वायर फीट, सो 1450 स्क्वायर फीट के कुछ एक ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें और इसमें ऑप्शंस हैं बिकॉज 1450 का अगर आप सैम्पल फ्लैट वाला मेरा जो वीडियो है थंबनेल अगेन मैं दिखा देती हूँ, तो उसका अगर वीडियो आप देखेंगे तो 1450 का अच्छा खासा इनफ साइज़ निकाला हुआ है, चाहे वो रूम साइजेस हो, चाहे वो ड्राइंग डाइनिंग एरिया हो और किचन हो। सो अगर वो आपको सूट करता है, आपकी फैमिली उसको आई मीन ऑप्ट कर सकती है, तो आप वो साइज़ भी देख सकते हैं। और अगर आपको विजिट करना है तो आप सैम्पल फ्लैट एक्चुअल में ही देख सकते हैं सेल्स गैलरी में। मैं अभी भी सेल्स गैलरी से ही ये वीडियो बना रही हूँ। अब ये दोनों टावर की प्रॉस एंड कॉन्स मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। कॉन्स तो क्या ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। इफ़ इन केस T6 लॉन्च होता है, मुझे पता है कि कौन सा लॉन्च होने वाला है, बट फिर भी वी कैन डिस्कस दैट ऑन कॉल। सो अगर T6 लॉन्च होता है तो इसमें क्या अच्छा है? सो इफ इन केस आप फोर्थ फ्लोर से अबव जाते हैं, बिकॉज इसकी जो हाइट है वो थर्ड फोर्थ फ्लोर तक आएगी। सो फोर्थ फ्लोर एंड अबव अगर आप जाते हैं तो 3 एंड 4 जो है वो फेस कर रहा है स्विमिंग पूल। यहाँ पे दो स्विमिंग पूल्स हैं, तो यहाँ पर ये फेस कर रहा है स्विमिंग पूल्स, एंड यहाँ से जो बालकनी आएंगी वो फेस कर रही है पूरा। सो यहाँ से आपको बैडमिंटन कोर्ट, हाफ बास्केटबॉल एंड स्विमिंग पूल, ये सारी व्यू मिलेगा। इवन दो अगर आप बिकॉज दिस इज बर्ड आई व्यू, इसका हम ड्रोन शॉट शॉट भी ले रहे हैं, सो वो भी आप देख सकते हैं नेक्स्ट उसमें। सो जो इसका जो बर्ड आई व्यू अगर आप देखेंगे, बिकॉज हम लोग जब भी नीचे देखते हैं तो हम लोग ऐसे नहीं देखते, हम लोग ऐसे करके देखते हैं, तो वो एक ब्रॉड उसमें जाता है। सो अगर ब्रॉड उसमें जाएगा तो आपको ये व्यू भी मिलेगा, लेकिन मिडिल फ्लोर और हायर फ्लोर पे मिलेगा। अगर आप लोअर फ्लोर्स पे जाएंगे तो आपको ऐसे मिलेगा, नैरो मिलेगा। सो ये दो आपका यहाँ के साइड में है, एंड 1 एंड 2 जो फेस कर रहा है ये कर रहा है वाटिका के प्लॉट्स को। सो यहाँ ये भी अच्छा ही है, बिकॉज़ यहाँ से आपको न्यू गुड़गांव और यहाँ से आपको वाटिका के प्लॉट्स, और मतलब यहाँ से भी अच्छा व्यू, एरी व्यू आएगा। एंड इफ आई मीन इससे तो बल्कि आपको द्वारका एक्सप्रेस वे का भी व्यू मिलेगा, बिकॉज ये ऐसे जा रहा है, तो द्वारका एक्सप्रेस वे का भी व्यू मिलेगा एंड जो न्यू गुड़गांव है उसका भी व्यू मिलेगा। अब आ जाते हैं हम T3। सो इफ इन केस T3 लॉन्च होता है तो इसका क्या बेनिफिट है? T3 जो है वो एंट्री पर ही है, गेट की एंट्री पर ही है। सो 1 एंड 2 से जो आपको व्यू मिलेगा वो द्वारका एक्सप्रेस वे का व्यू मिलेगा, एंड 2 से फिर भी आपको ये वाला व्यू मिलेगा जो डबल आई मीन बैडमिंटन कोर्ट है और ये हाफ बास्केटबॉल है। एंड 3 एंड 4 जो है वो आपका ये जो पार्क है वो दिखा रखा है। सो जो भी टार लॉन्च हो रहे हैं वो बेटर प्राइस पे लॉन्च हो रहे हैं, बिकॉज एज ऑफ नाउ जो रेट चल रहा है वो 8,500 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। सो 8,500 रुपये पर स्क्वायर फीट जो रेट है वो, बिकॉज अब 1850 तो जा चुका है तो 1450 के लिए वो अप्लीकेबल है, लेकिन जब तक ये लॉन्च होता है नया टार वो आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि 9,500 रुपये रेट आएगा। सो 9,500 रुपये का रेट आप अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट जो है वो प्राइस आपको मिल जाएगा, एंड दैट इंक्लूड्स योर EDC, IDC एंड 1 कवर्ड पार्किंग। सो इसमें 2 बेसमेंट है, बेसमेंट में ही कवर्ड पार्किंग है, एंड जो ओपन पार्किंग आपको यहाँ पर शो हो रही है वो विजिटर पार्किंग है, एंड पेरीफेरी पे भी विजिटर ही अलाउड है, बिकॉज रेजिडेंट जो हैं वो डायरेक्ट बेसमेंट में जाएंगे, एंटर करते ही बेसमेंट में जाएंगे। 2 बेसमेंट है, एंड हर ब्लॉक के बीच में 60 फीट का डिस्टेंस है, एंड किड्स प्ले एरिया दिया हुआ है। 2 स्विमिंग पूल यहाँ आ गए, क्लब हाउस यहाँ आ गया। बाकी आपको और ज़्यादा डिटेल में अगर जानना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, #SSSendAna एंड देन वी कैन टॉक, और हम आपकी विजिट अरेंज कर देंगे। अरेंज करने का मतलब मेरा ये रहता है कि
कि जब भी मैं मेरे विजिट जब भी आते हैं मेरे क्लाइंट जब विजिट करते हैं या मेरे से लेना पसंद करते हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं डिटेलिंग में जाती हूँ। इफ इन केस मैं अगर किसी ने ए पूछा है तो ए ही जवाब मिलेगा, उसका जेड जवाब नहीं मिलेगा। एंड पूरा लोकेशन यहाँ पे भी हम लेके जाते हैं, वहाँ पे भी लेके जाते हैं कि एक्चुअल में आपका प्लेसिंग क्या है, आपका जो ब्लॉक आ रहा है वो कहाँ क्या दिख रहा है, कौन सी फेसिंग है, ईस्ट है वेस्ट है साउथ ईस्ट आ रहा है क्या है। सो वो हम डिटेलिंग पे बात करते हैं। सो इफ इन केस आपको अच्छा लगता है या आपका कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। सो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।